अंकित कॉमर्स से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अंकित कॉमर्स में। मैं आज आप सभी के लिए इंग्लिश वोकैबुलरीज की एक फनी ट्रिक लेके आया हूँ, जिससे आपको ज़्यादा दिनों तक ये वोकैब्स याद हो जाएगी और ये आपको बस बार बार रिवाइज करना होगा। तो इस वीडियो को आप देखने के लिए आप मेरे साथ साथ एक बार दोहराएंगे जो भी मैं बोलूँ इस वीडियो में, और मैं गारंटी लेता हूँ आपको ये जो 15 वोकैब्स है ये आपको पूरे याद हो जाएंगे। मैं हर दिन 15 वोकैब्स की एक वीडियो डाल रहा हूं, जिससे आपको 15-15 करके सारे वोकैब्स लर्न हो जाए। आप सभी अंकित कॉमर्स को इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको चैनल मिल जाएगा अंकित कॉमर्स के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाके वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया है जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स है उसके रिगार्डिंग, और मैं जितने भी सारे स्टडी मटेरियल्स है उस ग्रुप में डालता हूँ। और अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दे, जिसका जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज डे 15 है और आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है डेबैकल, मतलब असफलता, फियास्को। लिंक आप इसे याद कर सकते हैं, देव अकल। सेंटेंस क्या बना? देव अकल के अभाव में हमेशा असफलता ही पाता है। 12th है आपका एभोर, मतलब घृणा या स्कॉर्न। लिंक आप इसे याद कर सकते हैं, भोर सुबह। सेंटेंस क्या बना? अब लोग भोर में उठने से एभोर करते हैं। 3rd है ब्लेमिश, मतलब धब्बा या दाग, फ्लॉ। लिंक आप इसे याद कर सकते हैं, ब्लेम मिश मिस। सेंटेंस क्या बना? तुम ब्लेम मिस पर मत लगाओ, क्यों कोई दाग नहीं है अब तक। 4th है आपका मुंदने, मतलब सांसारिक, साधारण, हम ड्रम। लिंक किससे आप याद कर सकते हैं? मुंडा मंडे। सेंटेंस क्या बना? तेरा मुंडा मंडे को सांसारिक या नीरस हो जाता है। 5th है आपका डोरमेंट, मतलब निष्क्रिय, कोमेटोज। लिंक आप इसे याद कर रखेंगे, डोर मैट। सेंटेंस क्या बना? डोर मैट एक ही जगह निष्क्रिय पड़ा रहता है। 6th है आपका रैपेसिटी, मतलब लोभ या ग्रीड, एवराइस। लिंक आप इसे याद क्या रखेंगे? रूपा सिटी। सेंटेंस क्या बना? रूपा सिटी से जब से लौट आई तब से उसके अंदर एवराइसी एवराइस भर आई है। 7th है फेकेड, मतलब मुखौटा, दिखावा, फ्रंट। लिंक आप इसे याद क्या रखेंगे? फसाद। सेंटेंस क्या बना? दंगा फसाद रोकना बस एक दिखावा है। 8th है आपका बेसमर्च, मतलब बदनाम करना, टार्निश। लिंक आप इसे याद क्या रखेंगे? 20 मिर्च। सेंटेंस क्या बना? खाने में शीला ने 20 मिर्च मिक्स करके लीला को बदनाम कर रही है। 9th है आपका एक्स्ट्रा डाइट, मतलब प्रत्यापित करना, हैंड ओवर। लिंक आप इसे याद क्या रखेंगे? एक्स्ट्रा डाइट। सेंटेंस क्या बना? द ग्रेट खली की एक्स्ट्रा डाइट की वजह से उसे इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया। 10th है आपका प्रोटेगोनिस्ट, मतलब नायक, नेता, लीडिंग रोल। लिंक आप इसे याद क्या रखेंगे? टेररिस्ट। सेंटेंस क्या बना? पाकिस्तान में टेररिस्ट को प्रोटेगोनिस्ट या लीडर मानते हैं। 11th है आपका शिकेनरी, मतलब झांसा, डिसेप्शन, फ्रॉड। लिंक आप इसे याद कर सकते हैं? सीखा नहीं। सेंटेंस क्या बना? सीखा नहीं हमने नारी के साथ शिकेनरी करना। 12th है आपका मॉडलिन, मतलब भावुक, ओवर इमोशनल या सेंटिमेंटल। लिंक आप इसे याद कर सकते हैं? मॉडलिंग। सेंटेंस क्या बना? मॉडलिंग के फाइनल राउंड में सब मॉडल ओवर इमोशनल हो जाती हैं। 13th है आपका रेडोलेंट, मतलब सुगंधित, सूचक। लिंक आप इसे याद क्या रखेंगे? रेड ओला रेंट। सेंटेंस क्या बना? जब मैंने रेड ओला रेंट पर मंगवाई तो उसके अंदर से अजीब तरह की स्मेल आ रही थी। 14th है आपका बैकॉन, मतलब इशारा, गेस्टिकुलेट। लिंक आप इसे याद क्या रखेंगे? बैक कौन। सेंटेंस क्या बना? बैक से कौन तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा है। 15th है आपका विंडिकेट, मतलब बदला लेना, जस्टिफाई। लिंक आप इसे याद क्या रह सकते हैं? विंडिकेट। सेंटेंस क्या बना? विंडिकेट के हाथों से मैं ले लिया, अब वो मुझसे बदला लेना चाहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ आप कमेंट करें जो भी आपके व्यूज़ हैं, ताकि हम अपने और वीडियो में उसे सुधार सकें। थैंक यू।